यस टेंथ क्लास प्यारे बच्चों यूनिट फोर्टीन की स्टेटिस्टिक्स हमारी एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री पर आ गए हम फोर्टीन पॉइंट वन में हमने मीन सीखा फोर्टीन पॉइंट टू में हमने मोड सीखा अब थर्ड जो सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज मीडियन अब अपने को सीखना है मीडियन ठीक है वो ही नो द मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिवस द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गि डाटा जो गी भी गिवन डाटा होता है उसका मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वही मीडियम कहलाता है ये हम सेवेंथ में भी सीख चुके थे फॉर अनग्रुप्ड डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डाटा वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर तो अनग्रुप्ड डाटा में अगर अपने को मीडियम निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ता है उसके बाद क्या होता है इफ एन इज ओड अगर एन ओड हो दैन मीडियन इज़ एन प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन जो भी एन की वैली होगी प्लस वन करो और अपॉन बाई टू करो जो कट के आएगा दैट्स ऑब्जरवेशन विल बी द मीडियन और अगर इफ़ एन इज़ इवन अगर एन ईवन है दैन मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ एन बाई टूथ एंड एन बाई टू प्लस ऑब्जर्वेशन ये सब हम पिछली क्लासेज में सीख चुके हैं इसकी रिविज़न हम एक बार कर लेते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर वन है आ, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ नाइन स्टूडेंट्स इन ए क्लास फाइंड द मीडियम नाइन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जैसे थर्टी फोर थर्टी टू फोर्टी एट थर्टी एट ट्वेंटी फोर थर्टी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन एंड थर्टी फाइव जैसा कि ऊपर कहा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा को सेट कर लिया हेयर एन एन क्या होता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज नाइन उसने कहा है नाइन स्टूडेंट्स ने दैट इज ओड ओड हो गया तो ओड वाला फार्मूला उठाओ सो मीडियन विल बी एन प्लस वन अपॉइन्ट एन प्लस प्लस टू मीन्स कट के आ गया फिफ्थ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है दैट विल बी मीडियन तो जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था वहाँ से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो वन टू थ्री फोर फाइव थर्टी टू एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज थर्टी टू से मीडियन इज थर्टी टू ये आपका सेवंथ में भी था और आप नाइन्थ में भी सीख गए हो तो एक बार मैंने और रिवाइज करा दिया उसके बाद एक इवन का भी कर लेते हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजि ऑफ डेली वेजिस दैट इज़ इन रूपीज़ ऑफ टेन वर्कर्स फ्राम द फॉलोइंग डाटा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सेवनटीन एटीन एट फिफ्टीन ट्वेंटी टू इलेवन नाइन फोर्टीन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इस डाटा को फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो पहले तो अरेंज कर दिया एट नाइन इलेवन फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हेयर एन इज टेन टेन जो है वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर टेन वर्कर्स हैं यहाँ पर तो एन है टेन सो मीडियम विल बी द एवरेज ऑफ टेन बाई टू एथ एंड टेन बाई टू प्लस वन एथ दैट विल बी द एवरेज ऑफ फिफ्थ टेन को टू से करेंगे तो फाइव टेन को टू से करेंगे फाइव प्लस वन सिक्स तो मीन्स कहने का मतलब है अगर टेन है तो फोर इधर फोर इधर जो बीच की दो बचेंगी दैट विल बी फिफ्थ एंड सिक्स ऑब्जर्वेशन इन दोनों को एड करो और अपॉन में टू करो जो आंसर होगा दैट विल बी द मीडियम ये भी आप छोटी क्लासेस में सीखते हुए आए हैं अब आते हैं हम टेंथ क्लास पर नाउ वी विल लर्न मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा ग्रुप्ड डाटा हमने का मीडियन हमने कैसे निकालना है ये हम सीखते हैं स्टेप्स में सबसे पहले हम स्टेप सीख लेते हैं फिर एग्जाम्पल करेंगे सम करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा क्या कहता है वो सबसे पहला स्टेप फॉर फाइंडिंग मीडियन वी हैव टू प्रिपेयर द कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम एंड ऑबटेन एन वो कहते हैं जो भी गिवन टेबल होगा उसका कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना होता है और हमें टोटल एन पता चल जाता है टोटल एन कितना है दैट विल बी सिग्मा एफ उसके बाद क्या करना है देन वी हैव टू फाइंड एन बाई टू जितना एन होगा उसका हाफ करना होता है फिर क्या करना होता है ना वी विल सी द कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू एंड दैट डिटर्मिन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास दिस क्लास विल बी मीडियन क्लास वो कहता है कि जो आपने एन बाई टू निकाला वो कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढो, जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू एन बाई टू से बड़ा होना चाहिए जो उस क्लास को देखो और वही क्लास जो है वो आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी फिर क्या करना है आफ्टर दैट वी विल यूज फार्मूला तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जब हम ये सारा ऊपर से निकाल लेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच वेयर एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास सी एफ क्या है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिस द मीडियम क्लास और एच जो है दैट इज द साइज और वेट ऑफ द मीडियम क्लास ये सारा जो है वो हमें एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब हमें समझ आएगा तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिक्सटी एट कंज्यूमर्स की तो उसका मीडियम निकालना है मीन निकालना है मोड तीनों निकालने हैं तो ये उसका जो है वो टेबल आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो हमने सबसे पहले तो सीखना क्या है मीडियन क्योंकि मीन और मोड हम सीख चुके हैं तो मीडियन करने के लिए पहले ये दो कॉलम तो एज इट इज़ रहेंगे बच्चों जो ये दो कॉलम हमें गिवन थे वो एज इट इज रहेंगे तीसरा कॉलम उसने कहा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है आपको ये सी एफ होता है कोमुलेटिव कैसे बनता है ये जैसे ये फोर है ये तो फोर ही रहेगा फोर के अंदर अगला फाइव जुड़ के नाइन नाइन में अगला थर्टीन जुड़ के ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में ट्वेंटी जुड़ के फोर्टी टू फोर्टी टू में फोर्टीन जुड़ के फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स में एट जुड़ के सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर में फोर जुड़ के सिक्सटी एट ऐसे बनाना है मीन्स पहले वाला एज़ इट इज़ अगले वाला दो का जोड़ उससे अगले वाला तीनों का जोड़ उससे अगले वाला चारों का जोड़ उससे अगले वाला पाँचों का जोड़ उससे अगले वाला छः का जोड़ उससे अगले वाला सातों का जोड़ तो ये निकालना है वो कहा कह रहा था कि कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम तैयार कर लो आपका एन मिल जाएगा एन का मतलब ये थर्टी सिक्सटी एट हमें मिल गया लास्ट वाला जो टोटल है वो सिक्सटी एट एन होता है अब वो कहता है एन बाई टू निकाल दो तो एन बाई टू निकाल दिया हमने सिक्सटी एट अपॉइंटमेंट टू थर्टी फोर थर्टी फोर हो गया अब वो क्या कह रहा था इसके बाद इसके बाद उसने कहा नाउ वी सी द कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू जो एन बाई टू थर्टी फोर है ठीक उससे ऊपर देखना है यहाँ कमुनिटी फ्रिक्वेंसी में देखो थर्टी फोर से बड़ा नंबर कौन सा है जैसे फोर नाइन ट्वेंटी टू फोर्टी टू ये है फोर्टी टू फोर्टी टू जो है वो जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू है तो जो ये क्लास होगी ये ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी फाइव वन ट्वेंटी फाइव से वन फोर्टी फाइव ये ये जो है वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगी क्लियर हो रहा है बच्चों आपको ये मीडियन क्लास हो जाएगी क्योंकि थर्टी फोर से जस्ट ग्रेटर है अब इस मीडियन क्लास में से मेरे को मिल गया वन ट्वेंटी फाइव तो एल और इन दोनों को सब्टैक्ट करेंगे तो मेरे को मिल गया एच और कोमुलेट इसी की क्लास वाली जो ट्वेंटी है वो एफ होएगी और जो सी एफ होता है ठीक इससे ऊपर वाला होता है सबसे पहले थर्टी फोर से बड़ा नंबर ढूंढो कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये है इससे मीडियन क्लास मिल गई मीडियन क्लास से एल मिल गया एच मिल गया एफ मिल गया और सी एफ ये इससे ऊपर वाला तो ये सारी हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं तो हाँ अब हम फार्मूला पुट करेंगे एल मिल गया एच मिल गया एफ मिल गया सी एफ मिल गया तो मीडियन क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच ये याद करना पड़ेगा ये फार्मूला जो है वो याद करना है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच वैल्यूज़ जो गिवन है हमने यहाँ देखी वो सारी यहाँ पर पुट कर दो तो आपका आंसर आया वन थर्टी सेवन फिर उसी समय वो कहता है मीन निकल लो तो मीन के आपको दो मेथड बताए थे एक तो डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मेथड डायरेक्ट मेथड वहाँ लगाते हैं जहाँ मैक्सिमम ज़ीरो जीरो जीरो वाले क्लास मार्क्स आ जाएं और उनको मल्टीप्लाई करना आसान हो एज्यूम्ड मेथड वहाँ निकालते हैं जहाँ पर क्लास मार्क की वैल्यूज़ बड़ी हों और मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पर दो कॉलम तो गिवन ही थे क्लास मार्क निकालते हैं जो कि आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में टू तो सिक्सटी फाइव और एट्टी फाइव जोड़ा वन फिफ्टी अपॉन में टू कर दिया सेवेंटी फाइव इन दोनों को जोड़ा वन नाइन्टी अपॉन में टू कर दिया नाइन्टी फाइव एंड सो ऑन फिर हमने देखा टोटल है कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन में से मैंने थ्री ऊपर छोड़ दिए थ्री नीचे छोड़ दिए और वन थर्टी फाइव को मैंने ए एज्यूम कर लिया ए एज्यूम कर लिया फिर मैंने डी आइटा निकाल दिया जैसे कि हमने निकाला था एक्स मीन्स सेवेंटी फाइव के माइनस में वन थर्टी फाइव लिख के देखो नाइन्टी फाइव में वन थर्टी फाइव लिख के देखो वन फिफ्टीन में वन थर्टी फाइव माइनस करके लिखते रहो तो माइनस सिक्सटी माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी जीरो जिसको आपने लेट करा है उसको तो जीरो ही आएगा फिर ये बड़े नंबर आ गए हैं तो पॉजिटिव मीन्स माइनस वन थर्टी फाइव माइनस वन थर्टी फाइव में माइनस वन थर्टी फाइव करना है जो हमने एज्यूम किया था तो उसमें जो छोटे नंबर हैं ऊपर वाले हैं छोटे नंबर हैं वहाँ में नेगेटिव आएंगे जो बड़े हैं वहाँ पॉजिटिव अब इनको एफ़ से मल्टीप्लाई कर लो देखो आसान हो गया मल्टीप्लाई करना यहाँ पे हाथ रख लो माइनस सिक्सटी को फ़ोर से करो माइनस फोर्टी को फ़ाइव से करो थर्टीन को माइनस ट्वेंटी से देखो ज़ीरो जीरो वाले कितनी आसान हो जाती है ना मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया पोज नेगेटिव को अलग ऐड कर दिया पॉजिटिव को अलग ऐड कर दिया तो सिग्मा एफ़ आइटा डी आइटा आ गया तो एक्स बार निकालना है मीन निकालना है तो ए प्लस सिगमा एफ आइटा डी आइटा पॉन सिगमा एफ आइटा तो इस तरीके से आपका ये आंसर आया वन थर्टी सेवन पॉइंट जीरो फाइव ये था मीन जो कि आपका वर्कशीट वन एक्सरसाइज वन थी वो दोबारा रिवाइज हो गई ठीक है उसके बाद आता है हमारा मोड मोड के लिए क्या करते हैं उसमें कोई नई कॉल, नया कॉलम नहीं बनाते नया कॉलम आता है मीडियन में कुमरेटिव फ्रिक्वेंसी का और मीन में एक्स आइटा डी आइटा वगैरह का आता है लेकिन मोड में नहीं आता मोड में जो गिवन टेबल है उसमें हमने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है जैसे ट्वेंटी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें तो वो होता है एफ़ वन उससे ऊपर एफ़ इससे नीचे एफ़ टू जो एफ़ वन वाला कॉलम है वहीं से हमें एल और एच मिल जाता है तो फार्मूला लगा दो एल प्लस एफ वन माइनस एफ़ जीरो अपॉन टू एफ़ वन माइनस एफ़ ज़ीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच एंड सो दिस इज़ द मोड तो हम देखते हैं वो कह रहा था ऑब्जर्व करो तो ऑब्ज़र्व किया हमने वो तो बिल्कुल ही क्लोज़ हैं दोनों एक इक्वल वैल्यूज लगभग आई हैं ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है उनके तो ये था हमारा एनालाइज करना इनको उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर टू जैसा क्वेश्चन नंबर टू है ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है आप बड़े ध्यान से देखना उसको ठीक है तो मैं क्वेश्चन नंबर टू जो समझा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है और बहुत बार पेपर में भी आता है क्लियर तो इस सम को आपने बड़े अच्छे से समझना है कैसे आता है पेपर में देखो जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी फ्रिक्वेंसीज़ में कुछ अननोन है फाइव है एक्स है ट्वेंटी है फिफ्टीन है वाई है और फाइव है एक जगह एक्स है एक जगह वाई जो कि अननोन है और वो कहता है इनका टोटल जो है वो सिक्सटी है ठीक है जैसा कि मीडियन है मीडियन में एक कॉलम सी का बनाना पड़ता है तो वो हमने सी का यहाँ बनाया पहले में फाइव एज इट इज़ फाइव में एक्स जोड़ा फाइव प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स में ट्वेंटी जोड़ा तो फाइव में ट्वेंटी जोड़ के ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स में फिफ्टीन जोड़ा तो फोर्टी प्स एक्स फोर्टी प्लस एक्स में वाई जोड़ा तो फोर्टी प्लस एक्स प्लस वाई इसमें फाइव जोड़ा तो फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई ठीक है और यही जो लास्ट होता है वो इसके इक्वल होता है सिग्मा एफ़ के जो सिग्मा एफ है ये भी सिग्मा एफ़ ही आता है लास्ट में एयर सिग्मा एफ इज सिक्सटी तो इसका मतलब हुआ इन सारों को जोड़ के यही तो आया फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई इसवल टू सिक्सटी तो एक्स प्लस वाई जो है वो सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव फिफ्टीन आ गया इसको हमने नंबर वन बना के छोड़ दिया इक्वेशन नंबर वन यहीं से आ गया उसके बाद बच्चों देखो वो कहते हैं कि मीडियन तो दिया हुआ है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव आपको एक्स और वाई निकालना है बच्चों जिसमें मीडियन दिया हुआ होता है उसकी मीडियन क्लास तो वहीं से ही पता चल जाती है इसमें एन बाई टू करने की जरूरत ही नहीं है फार्मूले के लिए तो करना है बट मीडियन क्लास नहीं ढूंढनी मीडियन क्लास इसकी हेल्प से ढूंढनी है अब एन बाई टू से मीडियन क्लास नहीं ढूंढनी लेकिन अगर दिया हुआ मीडियन है तो ये ढूंढना है कि ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव है जो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव है वो किसके बीच में लाई करता है ट्वेंटी और थर्टी के बीच में वैसे हम एन बाई टू करें तो थर्टी आएगा तो थर्टी हम सोचेंगे भाई अब फिर भी यही आएगा थर्टी भी क्योंकि यहाँ तो फोर्टी से स्टार्ट है तो मीन्स चाहे हम उस तरीके से सोचें तो भी वही है और इस इस तरीके से सोचें तो भी वही है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव जो है वो ट्वेंटी और थर्टी के बीच में लाई करता है तो जो मीडियम क्लास होगी हमारी दैट विल बी ट्वेंटी टू थर्टी अब ट्वेंटी टू थर्टी मीडियन क्लास है तो मीडियन क्लास में ये एल हो गया एच टेन हो गया एफ ये हो गया और जो सी एफ है वो फाइव प्लस एक्स हो गया ठीक ठीक इसे ऊपर वाला होता है ट्वेंटी टू थर्टी से ऊपर वाला ए एफ होता है तो आप वैल्यूज़ पुट करो मीडियन इज़ इक्वल टू दिस मीडियन की वैल्यू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव दी हुई है वो पुट कर दो एल ट्वेंटी है एन बाई टू थर्टी माइनस सी एफ दिया हुआ है अपॉन ट्वेंटी एफ दिया हुआ है एच दिया हुआ है तो जो ये एल था उसको इधर ले जाओ पहले ये सारा तो इकट्ठा है क्योंकि मल्टीप्लाई एन है तो ये ट्वेंटी जो है वो इधर आ जाएगा एट पॉइंट फाइव बन जाएगा सब टेक्टो की और इधर से जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस फाइव माइनस एक्स हो जाएगा तो थर्टी में से फाइव गए ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स एक कट किया जाएगा टू टू इधर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवनटीन तो ट्वेंटी फाइव माइनस सेवनटीन एक्स माइनस का इसको इधर ले आओ एक्स एट निकल गया अब जब एक्स एट निकल गया तो हमने एक इक्वेशन याद है आपको पीछे हमने छोड़ी थी एक्स प्लस वाई फिफ्टीन तो वहाँ से उठाओ तो एक्स एक की वैल्यू पुट करो तो वाई एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया तो बहुत इम्पोर्टेंट समय ये और ऐसा ही सेम एक एग्जाम्पल है तो प्यारे बच्चों ये था हमारा मीडियन का अब आप बाकी के जो सम्स हैं एक्सरसाइज़ के कोशिश करना अपने आप और मैं भी देखती हूँ वीडियो अगर एक और बनी मीडियन की तो मैं एक और भी आपको बना के क्लियर करूँगी अदरवाइज़ जूम पे भी हमारा चलेगा तो उसमें क्लियर होगा सो so, ट्राई करो समझो और कॉपी कंप्लीट करो थैंक यू हैव ए नाइस डे